वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वर्चुअल रैली के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। घर पहुंचे शराब की व्यवस्था यदि किसी राज्य में है तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। देश में 30% अतिरिक्त कीमत पर शराब बेची जा रही है। जन घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा था, लेकिन 5 युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया गया। सारे काम निर्माण के विकास के ठप हो गए, सिर्फ केंद्र सरकार के नरेगा के काम को छोड़ दिया जाए तो आज पूरे काम पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से बंद हो चुका है। डेवलपमेंट के काम जो चल रहे थे हम लोगों के शासनकाल में, उस काम को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। रेलवे का प्रोजेक्ट हम लोगों ने लाया था वो बंद हो चुका है। ग्रामीण विकास की बात कल्पना अब सपना जैसे लगने लगा है। बस्तर से सरगुजा तक किसान से लेकर मजदूर तक न केवल परेशान है, त्रस्त है, बल्कि आज वो 2 साल का बोनस का इंतजार कर रहा है। वो 25 रुपये धान खरीदी की बात की कल्पना कर रहा है, मगर आज वो सपना सपना ही रह गया। और ये सरकार निश्चित रूप से रेत माफियों के हाथ में, शराब माफियों के हाथ में खेल रहा है।